आई होप आप लोगों में से बहुत सारे बंदों को आर्टिकल 370 के बारे में पता होगा कि भाई आखिरकार वो क्या है। और जिस किसी को भी आर्टिकल 370 के बारे में पता नहीं है कि भाई वो क्या है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यानी कि भारत के संविधान के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को और जितने भी स्टेट हैं भाई उनसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। लाइक भाई उनको ज्यादा बेनिफिट्स दिए गए हैं, लाइक भाई उन लोगों को फंडिंग ज्यादा की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा, और साथ ही में वहां पर बाहर का कोई बंदा जमीन नहीं खरीद सकता है। और इससे भी बड़ी बात की भाई जम्मू कश्मीर का एक अपना ही संविधान था जो कि भाई जम्मू कश्मीर के ऊपर चलता था। और यहाँ पर केंद्र सरकार को अगर कुछ जम्मू कश्मीर में लागू करवाना है तो भाई सबसे पहले वो जम्मू कश्मीर सरकार के पास जाएगा, उसके बाद उनको लगेगा ठीक तो भाई लागू करेंगे, नहीं तो वो कैंसिल कर देंगे। और ये जितनी भी चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताई ये आर्टिकल 370 के अंदर आती हैं। और जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया तो भाई और जितने भी स्टेट हैं उनको और उनको जो सुविधाएं मिलती थी भाई वही सुविधाएं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को मिलने लगी। और साथ में जो भी रूल यहाँ पे केंद्र सरकार लागू करेगी भाई वो जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होगा। आई होप लोगों को ओवरव्यू मिल गया होगा कि भाई आर्टिकल 370 क्या है भाई, इसके तो क्लॉज वगैरह और भी दो चीजें हैं। अगर आप लोग और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो भाई आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। और इतनी सारी जो चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताई भाई वो इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 370 के नाम से एक नई मूवी आई है, उसके बारे में बात करते हैं कि भाई इस मूवी में आपको क्या देखने के लिए मिलता है। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि भाई किस तरह से यहाँ पे आर्टिकल 370 को हटाने में मोदी सरकार ने अपनी प्लानिंग की, कैसे कैसे उन्होंने रिस्क लिए, कैसे भाई सारी चीजों को मैनेज किया, और साथ में जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है मतलब उस तरह की सारी जो चीजें हैं कैसे इन्होंने मैनेज की। और इस मूवी की मेन लीड में आप लोगों को यामी गौतम देखने के लिए मिलती है, यानी कि ये मूवी जो ट्रू इवेंट से इंस्पायर है। तो जो भी चीजें दिखाई गई है मतलब डेट वाइज दिखाई गई है मूवी में कि भाई किस डेट को क्या चीज हुई, और अगर बताया जा रहा है कि मूवी ट्रू इवेंट्स के ऊपर आधारित है तो शायद जो भी डेट्स बता रहे हैं जो भी चीजें ये बता रहे हैं तो भाई वो सच में हुई हैं। और यहाँ पे रियल लाइफ में भी यामी गौतम जैसा कोई करेक्टर रहा होगा जिसने भाई ये सारी चीजों को मैनेज किया है। पूरी मूवी यानी कि जो 370 हटाने में जो चीजें की गई है उसमें यामी गौतम का काफी बड़ा हाथ रहा है। और साथ ही में इस मूवी में आप लोगों को पुलवामा हमले से रिलेटेड कुछ चीजें दिखाई गई है, यानी कि उनके बारे में डिस्कस किया गया है कि भाई उनके पीछे कौन था, कैसे एग्जीक्यूट हुआ। और पूरी मूवी आपको लगभग 2.5 घंटे की देखने के लिए मिलती है। और अगर आप लोग इस तरह की मूवीज देखना पसंद नहीं करते तो शायद आप लोग बोर हो सकते हो क्योंकि भाई मूवी जैसे स्टार्ट होती है तो इसमें एक्शन वगैरह तो है नहीं। तो इस पूरी मूवी में बातें होती है 370 को हटाने के बारे में कि भाई आखिरकार 370 को हटाया जाए तो कैसे हटाया जाए। तो भाई पर्सनली मैं बात करूं इस मूवी का सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा जो कि लास्ट में 10-15 मिनट का है, जहां पे भाई संसद में जो पार्टियां लड़ती हैं आपस में कि भाई बिल पास होगा कि नहीं होगा, तो भाई वहां पे होम मिनिस्टर ने अपनी जो भी दलीलें रखी अपोजिट पार्टी के सामने भाई वो देखने वाला काफी अच्छा सीन था। और भाई जिस एंगर से जिस देश प्रेम से उन्होंने वो चीजें बोली भाई लगता है कि भाई सच में यहाँ पे होम मिनिस्टर बैठे। और साथ ही में आप लोगों ने ये मीम तो देखा ही होगा कि भाई जान दे देंगे इसके लिए, भाई ये भी चीज आप लोगों को इस मूवी में दिखाई गई है, यानी कि ये इस वाला सीन भी मूवी में दिखाया गया है जो कि काफी ज्यादा फनी सा है। अच्छा मैंने अभी तक आपको इतनी जो चीजें बताई, क्या आप लोगों में से कोई एक बंदा ऐसा है भाई जो इंटरेस्टेड है कि इस मूवी में पीएम मोदी का रोल किसने किया है? आप लोग भाई सुन के देख के हैरान हो जाओगे, यानी कि भाई मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप लोगों ने पुरानी वाली रामायण देखी है जिसमें भाई राम लक्ष्मण जो काफी ज्यादा पॉपुलर है अपने राम करेक्टर को लेकर के, भाई वही जो है यहाँ पे पीएम मोदी का रोल निभा रहे हैं और काफी अच्छा सूट भी कर रहा है उनके ऊपर। ज्यादा सीन्स नहीं है उनके पीएम मोदी के, बट है थोड़े बहुत हैं, काफी ज्यादा सही है। और भाई अगर आप नॉलेज के लिए मूवी देखना चाहते हो तो भाई काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस से भाई एक्शन एडवेंचर इस तरह की कुछ चीजें देखने के लिए मिलेंगी तो भाई आप लोगों के लिए ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप लोगों में से ये मूवी किसी ने देख लिया तो भाई मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी।